ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो देश में आया तो था साल 1963 में एक चीनी युद्ध बंदी की तरह, लेकिन उसने भारत को ही अपना घर बना लिया। वो 56 सालों तक यहाँ बिना वीजा और बिना किसी सरकारी पहचान के रहा। इस दौरान अपने घर और देश की याद आने पर वो लगातार वहां जाने का संघर्ष करता रहा। आखिर मीडिया में मामला आने के बाद उसे दोनों देशों की सरकार ने 2017 में चीन जाने की अनुमति दी, लेकिन परिवार और दोस्त उसके यहीं रह गए। अब 56 सालों तक वो जहां रहा, जहां जिया, जहां शादी की, जहां परिवार है, उस भारत में फिर वापस आना चाहता है, लेकिन सरकारी उलझने अब उसकी भारत वापसी के भी आड़े आ रही हैं। वीडियो कॉल पर परिवार से बात करता ये चीनी, जिसकी पहचान भारत में राज बहादुर और चीन में वांगशिंग की है, पिछले कुछ महीने से भारत आने के लिए चीन और भारत की एम्बेसी के चक्कर लगा रहा है। 1963 में चीनी युद्धबंदी के रूप में पकड़े जाने के बाद पहले कुछ सालों तक जेल में और फिर बालाघाट के तिरोड़ी में रहा। यहाँ शादी की, परिवार बसाया। इस बीच मरने से पहले एक बार अपने देश चीन जाने की उसकी चाहत उसे चीन ले गई, लेकिन अब अपने परिवार के पास भारत आने को तरस रहा है। वहीं वांगशी के बेटे का कहना है कि पिता 5 महीने से चाइना के बीजिंग में चीन और भारत की एम्बेसी के चक्कर लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पापा वहाँ से यहाँ आए, परिवार से मिलने अपने। उनको 54 साल लग गए इंडिया से चाइना के परिवार से मिलने के लिए, और अब जो है अब इंडिया के परिवार से मिलने के लिए और कितने साल उनको वो कष्ट उठाना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि अब उनको जो है 1 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा ना देते हुए गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है कम से कम उनको 5 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा दिया जाए। वांगची उर्फ राज बहादुर, दो नाम, दो पहचान, दो देश, लेकिन आदमी एक, जिसका परिवार उसके आने की चाहत और इंतजार में है। कभी फोटो देख तो कभी वीडियो कॉल पर परिवार बात कर मन तो बहला लेता है, लेकिन वांगशी के घर वापसी का इंतजार उन्हें हर पल है। बालाघाट से न्यूज के लिए संजय जैन की रिपोर्ट।